सी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। यहाँ नेताओं को एक चुनाव जीतने में ही पसीना आ जाता हो, लेकिन मध्य प्रदेश के एक नेता ऐसे भी हैं जिन पर साहब जनता जनार्दन की कृपा बरस रही है। यह नेता सांसद भी हैं और विधायक भी। अब नेताजी के साथ पार्टी के सामने भी यक्ष प्रश्न कि आखिरकार सांसद या विधायक में से एक क्या चुना जाए। जी हाँ, ये है रतलाम झाबुआ से नव निर्वाचित भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर। डामोर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को 90,636 वोट से हराकर ये सीट भाजपा की झोली में लापट की। इससे पूर्व डामोर झाबुआ सीट से विधायक भी चुने जा चुके हैं। भाजपा हो या खुद डामोर, बड़े असमंजस में हैं। यदि डामोर विधायक पद से त्याग पत्र देते हैं तो उपचुनाव होंगे। ऐसे में बहुमत के आंकड़े से महज 2 सीट पिछड़ी कांग्रेस पूरी ताकत लगाकर ये जीत हासिल जरूर करना चाहेगी। यदि सीट कांग्रेस के पाले में चली गई तो भाजपा का पुनः वापसी का सपना धरा का धरा रह जाना है। तो वहीं यदि डामोर सांसद पद से इस्तीफा देते हैं तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि संसद में भाजपा का संख्या बल काफी है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा का परचम लहराएगा और देश में श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी। फिलहाल आलाकमान हो या फिर प्रदेश भाजपा, इस विषय को लेकर किसी एक निर्णय तक नहीं पहुंच सके हैं। अब डामोर के पास वक्त की कमी है, सिर्फ 1 सप्ताह ही शेष फैसला लेने के लिए। नियमानुसार सांसद चुने जाने के बाद 14 दिन का समय निर्धारित होता है। कांग्रेस को भी भाजपा के इस फैसले का इंतजार है। यदि डामोर सांसद पद को चुनते हैं तो कांग्रेस सरकार के सामने एक सुनहरी मौका हो सकता है। साथ ही भाजपा द्वारा कमलनाथ सरकार को गिराए जाने की अटकलों पर भी थोड़ी लगाम लगेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि उपचुनाव की स्थिति बनती है तो विधानसभा में हालिया समीकरणों को देखते हुए दोनों दलों के सामने करो या मरो की स्थिति जरूर होगी। यानी कि इस उपचुनाव में यह सीट प्रतिष्ठा के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता की कुंजी वाली सीट भी होगी। ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई।